निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ, इसका मतलब है कि जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया है C6H12O6, ठीक है बेटा, ध्यान देना, जो भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया है राइट, उसमें मॉलिक्यूल और एटम के बीच में रिलेशन तो लिखते ही हैं, जैसे मोल ऑफ कार्बन अपॉन उसका कोफिशियंट फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, 6, दैट इज मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन उसका कोफिशियंट क्या दिख रहा है, 12, एंड दैट इज मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन उसका कोफिशियंट क्या दिख रहा है, ग्लूकोज में 6, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन उसका कोफिशियंट क्या दिख रहा है, 1, यानी ग्लूकोज यानी कंपाउंड का कोफिशिएंट हम क्या ले रहे हैं, 1। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट और बताया था, क्या कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में मोल ऑफ ऑल एटम निकालने हैं बेटा, तो मैं क्या लिखूंगी, मोल ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ, क्योंकि आपको शायद मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में नहीं दिए थे, क्योंकि जस्ट मैं आपको समझा पाई थी, प्रैक्टिस नहीं करा पाई थी, तो हो सकता है ये बात ना बताई हो, तो अभी बता रही हूँ कि मोल ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑल एटम। सुना या नहीं मेरी बात, पहले समझ आई या नहीं? यस जैसे मैम। अगर मैं यहाँ कहती हूँ दैट इज मोल ऑफ ऑल एटम मुझे एक साथ निकालने, ठीक है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय सम करिए कोफिशियंट का, तो सम ऑफ कोफिशियंट क्या नजर आ रहा है सभी एटम का, जरिए बताइए तो, 6 + 12 + 6 यानी 24 तो आई विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 24, तो क्या मैं मोल ऑफ ग्लूकोज अगर मैं यहाँ डाल देती हूँ और डिवाइडेड बाय 1 कर दूँ तो मोल ऑफ ऑल एटम भी सॉल्व हो जाएंगे। बोलिए मोल ऑफ कार्बन क्या निकलेगा, मोल ऑफ कार्बन विल बी 6 × मोल ऑफ ग्लूकोज। बेटा हमारी अभी लाइव क्लास है इस वक्त, तो आप लोग जो है, और हमारी हर क्लास अब लाइव होगी, क्यों, क्योंकि आपका कुछ भी छूट जाएगा तो आप उसे बार बार रिपीटेड फॉर्म में देखकर अच्छे से वापस से रिवाइज कर सकते हो, समझ आई या नहीं? यस मैम। जितने लैब यस एड मैम। करे हमने बेटा उसके लिए ये पॉलिसी ली, और बहुत अच्छी यस मैम। पॉलिसी, तो इसलिए आप, लेकिन लाइव क्लास का ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि आप बोले नहीं, जैसे आप नॉर्मल क्लास में मेरे से बात करते हैं वैसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल फ्री होके पूछिएगा, भूल जाइए कि आपको किसी से कॉन्शियस होना है, सुनाई दिया, अपनी नेचुरल फॉर्म में पढ़ाई करिए और मुझे बताइए जो भी कुछ भी आपको आता है, जो आपने सीखा है आप मुझे क्लियरली जैसे आप बात कर रहे हो वैसे बता सकते हो। तो मोल ऑफ कार्बन कितना हुआ, 6 × मोल ऑफ ग्लूकोज, इसी तरह मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, 12 × मोल ऑफ ग्लूकोज। मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि जो बच्चे लाइव क्लास एकदम से लेंगे तो उन्हें ये शॉर्टकट दिख जाए स्क्रीन पर, सिर्फ इसलिए दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, 6 × मोल ऑफ ग्लूकोज, एंड लेकिन अभी बढ़िया एक नई बात पता चली, मोल ऑफ ऑल एटम निकालना हो तो क्या हो गया, जल्दी बोलो, क्या ग्लूकोज के केस में 24 × मोल ऑफ ग्लूकोज, हाँ या नहीं बेटा? राइट, यस मैम। यस मैम। और ये जो मेरे साथ कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे उनको एक बार एक पेरेंट ने जो क्वेश्चन की है वो बता दूं, और तुमको भी याद दिला दूं कि अगर मैंने यहाँ पर 90 ग्राम ग्लूकोज लिया है, सिंपल डेटा ले रही हूँ जो मैंने होमवर्क में दिया था उससे अलग, राइट, तो मुझे बहुत कुछ यहाँ बताना है, 90 ग्राम ग्लूकोज सैंपल दिया है लेकिन मुझे क्या बताना है, मोल ऑफ कार्बन मोल ऑफ एच मोल ऑफ ओ, मुझे बताना है मास ऑफ कार्बन मास ऑफ एच मास ऑफ ओ, मुझे बताना है नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ ओ। अरे सुना कि नहीं बेटा, यस मैम। मुझे ये यस सब, मैम। ऑल दीज आर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस तरह यस का मैम। क्वेश्चन है, आपको एक एग्जांपल समझाना चाहती हूँ, क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ, तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका तो मुझे समझ आ गया भाई, मेरे टीचर ने बता दिया कि ग्लूकोज के लिए मैं ये रिलेशन लगा सकती हूँ, 4C6H12O6, इससे क्या होगा, शॉर्ट में एक रिलेशन आ जाएगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ मास किसका दिया गया है क्वेश्चन में, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो सबसे पहले वो मोल किसके निकालेगा बताइए, ग्लूकोज ग्लूकोज के। ग्लूकोज के। ग्लूकोज। देखिए मैं राइट साइड में आपको यही सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इसका सोल्यूशन दिखा रही हूँ, यानी क्वेश्चन की शुरुआत, सभी बच्चे ध्यान से समझ लिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप बच्चों के लिए, तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकाले जाएंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट,
मास ऑफ ग्लूकोज ठीक है अपॉन, जल्दी बोलिए जीएमएम, अपॉन जीएमएम, जीएमएम, जीएमएम। अब मास किसका जीएमएम? ग्लूकोज, ग्लूकोज, जीएमएम। डायलॉग दो रहा हूँ तो ग्लूकोज जिसका मोल उसी का मास, उसी का मास, उसी का जीएमएम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोल्स निकलने वाले हैं, तो क्या बहुत सारे मोल्स आपस में मिक्स नहीं हो जाए? तो ये डायलॉग जरूर याद रखो, अरे ग्लूकोज का मोल निकालना है तो ग्लूकोज का ही मास लेना है और ग्लूकोज के जीएमएम से डिवाइड करना है। जीएमएम क्या है वो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो मोल ऑफ ग्लूकोज बताएं, तो 90 ग्राम तो सैंपल दिया है, 90 अपॉन 80 होता है 180 अपॉन 180। मुझे बताने दो, मुझे बोल लेने दो एक बार, जिससे कि मेरी और आपकी आवाज क्लैश नहीं करे, फिर आप बोल लो। तो क्या हो जाएगा, मास नंबर ऑफ ग्लूकोज आगे ग्राम, और मास नंबर ग्लूकोज का जोड़िए तो 180 आएगा। ये पहली क्लासेस में हो चुका है, राइट। तो 90 by 180 ग्राम ग्राम कट गया एंड दिस विल बी हाफ। तो ग्लूकोज के मोल कितने आ गए, हाफ। अब मुझे सब कुछ निकालना है, मुझे कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल और सभी एटम के एक साथ मोल निकालने। तो क्या मैं यहाँ पे ये वैल्यूज रखती जाऊँ, 6 × 1/2, बोलो। यस मैम, यस मैम। जो मैंने 3 लिखा यहाँ, ये किसके मोल है जल्दी बताइए? कार्बन, कार्बन, कार्बन के मोल, राइट। ये जो मैं यहाँ 12 × 1/2 लिख के 6 लिख रही हूँ, ये किसके मोल है? और ये जो मैं 24 × 1/2 करके 12 लिख रही हूँ, राइट, एक मिनट, हाँ जो मैं 12 लिख रही हूँ, ये किसके मोल है? मोल्स ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स। अब मुझे यहाँ जगह मिल गई है तो मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ लाइन, ठीक है। मतलब मुझे हर एटम के अलग अलग मोल मिल चुके हैं और मुझे मोल ऑफ ऑल एटम भी मिल चुके हैं, राइट। अब बताइए अगर कार्बन के मोल मिल गए हैं विच इज 3, तो कार्बन का मास आ जाएगा अपॉन जी ए एम ऑफ कार्बन। फिर से मेरा डायलॉग दोहराइए जिससे ये लाइव क्लास वाले बच्चे सुन सके, क्या जिसका मोल उसी का मास उसी का जीएम, जीएम का जीएम। एम क्यों बोला तुमने, जीएमएम क्यों नहीं बोला? इसका मतलब है कि आप ये समझ गए कि अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास लिखना है और अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? यस मैम, वेरी वेरी गुड मैम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बताइए जरा यहाँ से मैं मास ऑफ कार्बन निकाल लेती हूँ विच इज 3 × GaM ऑफ कार्बन क्या होता है प्लीज बता दें? 12 कार्बन का मास नंबर आगे ग्राम, तो क्या 36 ग्राम आ गया, बोलिए। यस मैम, सिमिलरली अब आपको करना है, मुझे वेट करना है और आपको करते जाना है। चलिए चलिए करिए फटाफट, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझे समझाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा कि मैंने उन्हें ठीक पढ़ाया। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आए थे बोलते जाओ? 6। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, पास से क्या रिलेट करूंगी? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन जीएम, जीएम किसका? हाइड्रोजन। यहां से मास ऑफ हाइड्रोजन निकलवाई, दैट इज मोल ऑफ हाइड्रोजन 6 ग्राम। क्या जीएम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है? यस मैम, यस मैम। आप इसे डायरेक्ट भी लिखना सीख सकते हैं, मास बराबर मोल इनटू जीएम, ठीक है। तो उससे एटम का मास आ जाएगा। बताइए मोल कितने हैं? 6 × 1 यानी 6 ग्राम आ गया है। कोई डाउट? No ma'am. No ma'am. बहुत बढ़िया। मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 = मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन जीएम ऑफ ऑक्सीजन। जीएम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 16 ग्राम। तो प्लीज मुझे बताइए कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 3 × 16 ग्राम 48 ग्राम। हाँ यानी 48 ग्राम। तो ये 48 ग्राम ऑक्सीजन का मास आ गया। सबसे मजेदार बात, अगर मैं मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल जोड़ दूं, यानी 36 प्लस 6 प्लस 48, मुझे लगता है 90 आ जाएगा। बोलिए। यस मैम, यस मैम। ये ग्लूकोज का टोटल मास होगा सैंपल का, और वो तो होना ही था क्योंकि ग्लूकोज बना किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो बना है बेटा। बोलिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम।
क्या मैं इन तीनों का ऐसे बोल दूं, क्या मैं 90 ग्राम के अंदर कार्बन का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ये अब मैं समझ चुकी हूँ, हाँ या नहीं? यस मैम। तीनों के कलेक्टिव मास से ही तो बना है, बिल्कुल क्लियर? यस मैम। अगर मुझे मोल ऑफ कार्बन मिल चुका है तीन, तो क्या मुझे नंबर ऑफ कार्बन भी मिल चुके हैं? नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूले बताना, नंबर बराबर नंबर ऑफ एटम बराबर मोल ऑफ एटम, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल ऑफ एटम इनटू हाइड्रोजन नंबर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ साथ नहीं बोले, वरना हमारी क्लासेस सॉरी हमारी जो आवाज है वो क्लैश करेगी, ना तुम्हारी क्लियर ना मेरी क्लियर, जब मैं बोल दूं, जब मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए। लेकिन अच्छी एनर्जी है, यही एनर्जी तो मुझे चाहिए आप लोगों की। तो फिर मोल ऑफ एटम इनटू एन ए, ये कर दें तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे, बोले? यस यस मैम। मोल ऑफ कार्बन एटम्स मैं लिख रही हूँ, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, इट इज मोल ऑफ कार्बन एटम इनटू एन ए, सही है? यस मैम। यस मैम। मैं स्क्रीन आगे नहीं ले जाना चाहती, मैं चाहती हूँ जो कुछ मैं निकाल रही हूँ वो वही आपको दिखे एक साथ, कि अरे देखो मोल ऑफ कार्बन आ गया, तो क्या मास ऑफ कार्बन भी अब मिल जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी मिल जाएंगे फटाफट, हाँ या नहीं? यस मैम। लिख सकती हूँ 3 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सिमिलरली अब तो डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एच एटम्स, अच्छा चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ, इज दैट मोल ऑफ एच एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर, जल्दी बोले। यस मैम। यस मैम। मोल ऑफ एच एटम कितने हैं? 6, तो मैं इसे 6 Na और आगे क्या लिख दूं, ऑफ एच एटम, सही है? यस मैम। यस मैम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनटू Na इक्वल टू कितना, कितने मोल आए थे, 3 Na ऑक्सीजन एटम्स, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अगर मुझे नंबर ऑफ ऑल एटम्स चाहिए तो बताना जरा मोल ऑफ ऑल एटम क्या आया था, 24 इंटू हाफ आया था? यस मैम। 12 आया था, और अगर आप भूल गए तो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो आया था या नहीं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, तो क्या मोल ऑफ ऑल एटम आ गए 12, तो मैं नंबर ऑफ ऑल एटम कैसे निकालूंगी, प्लीज बताइए। मैम मोल्स ऑफ ऑल एटम्स इनटू मोल्स ऑफ ऑल एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही तो, इसमें डर क्यों है, इसमें चुप क्यों हो गए तुम लोग, राइट? तो इज दैट मोल ऑफ ऑल एटम 12 है, तो नंबर ऑफ ऑल एटम इज 12 Na एटम्स, बोलिए। यस यस मैम। ऑल टाइप्स ऑफ एटम, हर तरह के एटम्स का नंबर ये होगा, लेकिन मोल ऑफ ऑल एटम में आप मास वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ये तो आप सही लिख रहे हो और ये मेरी ट्रिक है, इसलिए ये तो चल गई, लेकिन मोल ऑफ ऑल एटम को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्या मास ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय जीएएम, क्यों नहीं लिख सकते हो बताओ? अरे जीएएम ऑफ ऑल एटम थोड़ी ना कुछ होता है, ये थोड़ी ना कुछ होता है, क्योंकि हर एटम का तो अपना अलग अलग जी एम होता है। यस मैम। यस मैम। मेरी मैथमेटिकल ट्रिक है, ये मास में मत लगाना, लेकिन नंबर में लगा सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। इनटू एन ए करना है, दैट्स ऑल, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले आप इसे नोट कर लो और रिवाइज कर लो दिमाग में, फिर मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देती हूँ। देखो पहले ये शॉर्टकट रिलेशन, ये कहां से हमारी क्लास शुरू हुई, शॉर्टकट रिलेशन से शुरू हुई, राइट? मैं यहां लिख देती हूँ उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेश नए हैं, उनके लिए लिख देती हूँ। मैम मोल ऑफ कार्बन 3 कैसे आया? आप पहले नोट कर लो बेटा, एक बार मैं स्क्रीन पे लिख दूं किसके किसके बीच में बिटवीन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एंड मोल ऑफ ऑल एटम,
ऑल एटम मत लिखो, एटम्स लिखो, मोल ऑफ एटम्स। तो एटम और मॉलिक्यूल को ऐसे रिलेट करना है, इतना बढ़िया तरीका है, प्लीज सॉल्व कर ले। एग्जांपल हमने लिया है ग्लूकोज, मुझे उम्मीद है सबको समझ आया है, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है। यस मैम। मैम मोल ऑफ कार्बन सही बोल रहा है। अच्छा कुछ कह रहा था बेटा तू, बताइए क्या कह रहे हैं। मैम मोल ऑफ कार्बन 3 कैसा है जो आपने बॉक्स में पुट करा है। मोल ऑफ कार्बन कैसे आया जो मैंने बॉक्स में पुट किया है। अच्छा यस मैम। आप ये कि ये कैसे आया, इसकी बात कर रहे हो क्या? मैम नीचे वाले की। ये मोल ऑफ कार्बन 3 जो आया है। यस मैम। ऊपर देखिए आप भूल गए शायद, आपने वो लाइन मिस कर दी। अच्छा बताइए कितने ग्राम ग्लूकोज था, मैं ब्लैक कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, कितने ग्राम ग्लूकोज था बताइए, बाकी लोग नोट कर लीजिए। 90 ग्राम। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपने क्या निकाला, मोल ऑफ ग्लूकोज निकाले, जल्दी बताओ। यस मैम 1/2। मोल ऑफ ग्लूकोज कितने आए बताइए जल्दी। 1/2। 1/2। पहले यहाँ तक समझ आया या नहीं, या मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। यस मैम आ गया। आ गया 95/180। यस मैम आ गया। आप बताइए मैंने उसे शॉर्टकट में रख दिया तो yes, क्या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस मैम राइट। इसका मतलब है कि मोल ऑफ कार्बन क्या आ जाएंगे, देखो 6 × मोल ऑफ ग्लूकोज, बताओ पहले समझ आ रहा है या नहीं। यस मैम आ गया। और वो मैंने 6 × आप करके 3 निकाला, वैसे ही क्या मैंने मोल ऑफ हाइड्रोजन भी निकाला और वैसे ही मैंने मोल ऑफ ऑक्सीजन भी निकाला और उन्हीं को तो नीचे यूज किया है और इसी तरह मैंने मोल ऑफ ऑल एटम भी निकाला। अब ठीक है। यस मैम। मैम जैसे स्क्रीन पकड़ सकती हैं आप कि आपको एक साथ पूरा सोल्यूशन दिखाई दे पहले नीचे तक, इसलिए हाँ। अब बेटा बोलो आप क्या कह रहे हो। मैम जैसी स्क्रीन पकड़ सकती हैं आप। हाँ बिल्कुल बेटा, मतलब ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन की। मैम फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर देखना था तो पिक्चर क्लिक कर ले बेटा। यस मैम जरूर, एक सेकेंड मैम। मैम डन ठीक है, और बाकी नोट करना होता है, सफिशियंट टाइम देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो मैंने बताया उसमें जरा भी डाउट हो तो मुझे आगे मत बढ़ने देना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप करने वाले हो। मैंने बोलिए हो गया। यस मैम ठीक है बेटा राइट। यस मैम। यस मैम। मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही दे रही हूँ, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आप ये रिलेशन कॉन्फिडेंटली लगा पाते हैं या नहीं, ठीक है। अपने माइक ऑफ रखिए अगर बैकग्राउंड से आवाज आती है, बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, और मैं ये क्वेश्चन ले चुकी हूँ लेकिन आपको बिना देखे अपने आप करना, ठीक है। 171 ग्राम ऑफ, बिल्कुल ईमानदारी रखना, सुक्रोज इज गिवन, सुक्रोज सैंपल इज गिवन, ठीक है। क्लियर बेटा राइट। सुक्रोज के नाम C12H22O11, ठीक है। देन कैलकुलेट। मैं क्वेश्चन दे दिया अंकल। कोई बात नहीं, आप करके दिखाइए मुझे, लेकिन सॉल्यूशन मत देखिएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको याद है या नहीं वो तरीका बिना देखे, और डेटा मैं सिंपल देना चाहती हूँ अभी। तो कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन,
मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इन गिवन सैंपल। चलिए करिए, अब इसके बाद क्वेश्चन एकदम नए हो जाएंगे, इसलिए इसके मुझे तैयार करके दिखाएं, करके दिखाएं बेटा। चलो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम आप एक बार वो पार्ट दिखा सकते हैं जहाँ पे आपने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टोटल नंबर निकाला है आपने ऊपर लास्ट पार्ट। हाँ हाँ बोलिए मैम, कुड यू प्लीज शो दैट, मेरे को एक बार देखना था, मुझे एक डाउट था। कोई बात नहीं, बिल्कुल देखिए। और बाकी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और ऊपर? नहीं मैम इट्स इनफ यहीं तक। बोलिए कोई डाउट यहाँ पर क्या आ रहा है? मोल ऑफ ऑल एटम कैसे निकालते हैं? नहीं मैम मेरे को पूछना था जो आपने बोला एक पॉइंट के में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम्स मतलब जो टोटल है उस कंपाउंड में, वो आपने क्या बोला था कि कैसे क्या नहीं करना उसमें? नहीं मुझे नंबर ऑफ ऑल एटम अगर निकालने हैं बेटा तब तो मैं ये शॉर्टकट में ये सम ऑफ कोफिशिएंट वाला ट्रिक लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या रिलेशन बना दिया, मोल ऑफ कंपाउंड by one equal to mole of all atom by sum of coefficient, yani sum of coefficient kya ho gaya 6 + 12 + 6 yani 24, ha ya nahi pehle batao jaldi? Yes ma'am. To uske andar to mole of all atom kya aa gaya, yahan se mole of all atom aa gaye, that will be 24 into mole of glucose, ha ya nahi beta batao? Yes ma'am. तो वो आपने 24 इंटू हाफ कर लिया क्योंकि ग्लूकोज के मोल हाफ मिले थे, तो जो आया वो 12 मोल ऑफ ऑल एटम आया है। पहले बताओ ये बात समझ आई? यस मैम। है ना, अब मुझे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ऑल एटम निकालने तब तो आप मोल ऑफ ऑल एटम इंटू एन ए कर दो, क्योंकि एक मोल में एन ए एटम तो 2 मोल में 2 एन ए एटम, 10 मोल में 10 एन ए एटम, तो 12 मोल में 12 हो जाएंगे या नहीं? यस मैम। अगर 10 मोल है तो 10 एन ए एटम, तो 12 मोल है तो 12 एन ए एटम, यानी मोल ऑफ ऑल एटम इनटू एन ए, वेरी सिंपल। लेकिन अब मोल ऑफ ऑल एटम वाले रिजल्ट को मास से रिलेट मत करने लगना, क्योंकि जीएएम ऑफ ऑल एटम का कोई मतलब नहीं, क्या हर एटम का जीएएम अलग अलग होता है? तो हर एटम के अलग मोल से अलग अलग एटम के मास निकाले जा सकते हैं, जैसे ऊपर कार्बन का ये देखो आपने निकाला, निकाला था या नहीं निकाला था? यस मैम। हाइड्रोजन का निकाला था राइट, ऑक्सीजन का निकाला था, लेकिन वो ऑल एटम में जीएम ऑफ ऑल एटम आप क्या लिख पाओगे मैम? हाँ बेटा, क्या हम सबके जीएम को ऐड करके रिलेशन नहीं बना सकते क्या मास का? जब सब एटम को ऐड कर देते हो और उनके कोफिशिएंट भी एडिशन में ले आते हो तो आप एक्चुअली मॉलिक्यूल का जीएमएम निकालो, जीएमएम ही बन गया, तो वो जीएमएम बन गया तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल देगा ना, वो एटम के सारे मोल कैसे देगा, हाँ या नहीं? और एटम के मोल आप देखिए 24 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, हाँ या नहीं? तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अच्छा किया जो आप ये बात अभी पूछ ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगा के करने लग जाएंगे, तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, हाँ या नहीं? ओके मैम। अंशिका बिल्कुल सही पूछ रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करें, मैं ही करा सकती हूँ, काफी टाइम निकल गया, अब बेटा मुझे करने दीजिए, है ना, सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग आगे आगे बढ़िएगा, मुझे बताते जाइए। जीएमएम ऑफ सुक्रोज बोले 42 ग्राम, ये हम पहली दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा 342 ग्राम, ठीक है। अब हमने मोल ऑफ सुक्रोज निकालना है, मैं अब इसे कंपाउंड क्या दे रही हूँ, बार बार पूरा नाम लिखना पड़ता है और शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास टोटल अपॉन 342। बोलो बेटा, जीएमएम लिख देती हूँ अभी, अब मैं समझा नहीं रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सीधा, हाँ या नहीं? यस मैम।
मास कितना दिया है 171 ग्राम और जीएमएम कितना निकाला है 342 ग्राम, तो कितनी हो गई हाफ। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ मोल निकलवा दिया आपसे, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन टफ नहीं बने लेकिन आप तरीके सीख जाए। अब बताइए शॉर्टकट रिलेशन लगाएंगे, ऐसे आप लिखते जाइए, आपको स्टेप्स याद रहेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो शॉर्टकट रिलेशन किसके किसके बीच में, मॉलिक्यूल के मोल और एटम के मोल के बीच में, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो क्या मोल ऑफ कार्बन अपॉन फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख रही हूँ C12H22O11 इसके लिए लगा रही हूँ। तो सबके कोफिशियंट देख लो, ये लिखा उनके नंबर नाम के नीचे, तो मोल ऑफ कार्बन अपॉन उसका कोफिशियंट इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन उसका कोफिशियंट इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन उसका कोफिशियंट इक्वल टू मोल ऑफ ऑल एटम अपॉन सम ऑफ कोफिशियंट, बोलिए। यस मैम। करके दिखा रही हूँ इसीलिए, इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन वन, बोलिए मेरी बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं? यस मैम। यस मैम। राइट, और मोल ऑफ ऑल एटम एक ट्रिक है कि भाई ये सब ये शॉर्टकट ही एक ट्रिक है एक्चुअली, लेकिन उससे मास मत निकालना क्योंकि सबका जीएम अलग अलग डील करना पड़ेगा, हाँ या नहीं बेटा? तो ये 45 बन जाएगा, तो 45 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है? कोई डाउट पहले अभी तक? हाँ या नहीं? नो मैम। डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से मोल ऑफ कार्बन इज दैट 12 इनटू मोल ऑफ कंपाउंड, बताओ मोल ऑफ कंपाउंड आ पाए थे तो दैट विल बी 6। अब मैं पूरी जगह मिल रही, मैं लिख रही हूँ मोल ऑफ कार्बन एटम, बोलिए बेटा। तो क्या हाथों हाथ रिजल्ट निकालते चले, बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन इंटू एन ए, यानी क्या 6 Na कार्बन एटम्स, बोलिए बेटा। उसका मोल इंटू उसका जी ए एम, बोलिए बेटा। यस मैम। क्यों बार बार पूरा फॉर्मूला लिखते हो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो? मास इज मोल इंटू जी ए एम या मास इज मोल इनटू जीएमएम, इट डिपेंड कि एटम का सैंपल है या मॉलिक्यूल का, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 72 ग्राम। चलो जल्दी जल्दी करते चलो, बिल्कुल पेन की स्पीड मैक्सिमम कर दो, फिर मैं आपको पैकेज से क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? सिमिलरली मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लीज निकालिए, 22 into mole of compound 22 into half equal to 11। अब ये आप प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफ एच एटम आप देखो, आपको दिक्कत हो तो मुझे बताओ फिर, तो बताओ डायरेक्ट नंबर ऑफ एच एटम, डायरेक्ट बोलो 11 Na। बस बहुत बढ़िया, और आगे लिख देना एटम्स ऑफ एच, क्यों ऐसा ना हो कि एटम ऑफ सी लग जाए, यस एटम ऑफ वो लग जाए, एच क्लियर कर दो कि ये एच एटम के नंबर्स हैं, हाँ या नहीं? यस मैम। अगर एटम्स पूछे जाए तो मैम हम इसको एनए में छोड़ सकते हैं या फिर हम इसमें वैल्यू पुट करें? नहीं वैल्यू लिखिए, अगर एनए के टर्म्स में आंसर है तो एनए के टर्म्स में लिखिए, और अगर वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करिए, ये तो आपके ऑप्शंस कैसे दिए होंगे उस पर डिपेंड करता है, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। तो ये क्या बात हुई, वो तो एनए के टर्म्स में दिखा रही हूँ, एनए की वैल्यू डाल दोगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। अच्छा खैर, तो मास ऑफ एच एटम बताइए जल्दी, 11 ग्राम एच एटम इनटू 11 ग्राम एच एटम, हां 11 ग्राम 11 ग्राम हां मोल ऑफ एच आया 11 इनटू 1 दिखा दे तो दिख जाएगा कि 1 का मल्टीप्लाई 11 ग्राम। सिमिलरली अब ये हमने कार्बन के मोल निकाल लिए, कार्बन का मास निकाल लिया, वैसे ही हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए, हाइड्रोजन का मास हाइड्रोजन का नंबर सब अलग अलग निकल रहा है। ऑक्सीजन के मोल बताइए कितना कोफिशियंट है, 11 11 इंटू हाफ, सही है, हाफ कौन था मोल ऑफ कंपाउंड, इज दैट 5.5, क्या ये मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लगे? तो अब बताइए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
5.5 Na के टर्म्स में नहीं आंसर है तो वैल्यू डाल दो, है ना, और पूरा लिखना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नोट करते चलना बेटा, बहुत प्रैक्टिस करा रही होगी, कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। सिमिलरली बताइए कि नंबर ऑफ, अच्छा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बोले इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू जीएएम ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट 88 ग्राम इनटू 16 88 ग्राम 88 ग्राम आ रहा है 88 ग्राम। क्या मतलब आप लोग ये रास्ता समझ गए हो कि अब आंसर कैसे निकालते हैं, हो गया। और अगर मैं इन तीनों के मास को जोड़ूंगी तो वही आ जाएगा 171 ग्राम, बोलिए। यस मैम। नंबर को जोड़ने से मॉलिक्यूल का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कई एटम होते हैं, हाँ या नहीं? यस मैम। मोल ऑफ ऑल एटम्स निकालने जा रहे हो, ऑल एटम का कोफिशिएंट शायद 45 बना था, देखिए ऊपर। यस मैम। यस मैम। तो फिर दैट इज 45 इनटू क्या मोल ऑफ कंपाउंड बताइए, 45 इनटू हाफ, ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या नंबर ऑफ ऑल एटम्स, कोई बात नहीं, तो 45/2 है नहीं, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑल, ऑल टाइप्स ऑफ एटम, सही है। यस मैम। आप देख रहे हो आप बहुत कुछ निकालने लग गए हो आप, अगर सिर्फ, और क्वेश्चन कितना सा था, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था कि इतने ग्राम सुक्रोज सैंपल दिया है भाई, तो सबके मासेस बताइए, सबके मोल बताइए, सबका नंबर बताइए, क्या आप शॉर्टकट रिलेशन से इन सबको डायरेक्टली निकाल सकते हो विद इन वन लाइन, हाँ या नहीं बेटा? देख लो क्या चाहिए, अभी क्या छूट गया, क्या नोट करना है बता दीजिएगा मुझे, कहाँ से शो करूं स्क्रीन को, ये नोट हो गया? यस मैम। यस मैम। और ऊपर से तो शो नहीं करना है स्क्रीन? नो मैम। नो मैम, यही से सही है मैम। हाँ बेटा बोल। मैम अगर हमें डायटोमिक एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैम उसमें जीएमएम आएगा या फिर जीएएम आएगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल का है ना, तूने अभी, मैं इसके बाद एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे समझ आ गया। नोट हो जाए तो मुझे जरूर बता दें तो मैं आगे बढ़ूं। और अब कॉन्फिडेंस है, ऐसे क्वेश्चन से डर तो नहीं लगेगा? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Confident. No, ma'am. लगेगा तो मैं दोबारा समझाऊंगी। हो गया? एक मिनट में। I'm done. Okay. ठीक है। अब जैसे बेटा आप लोग एटम्स को रिलेट करने के लिए शॉर्टकट लगाते हो, वैसे मैं मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल को रिलेट कर सकती हूँ। मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, पैकेज से ही देख रही हूँ, मैं वो क्वेश्चन आपसे करवाती हूँ, देखो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। जी मैम। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, राइट। नंबर मत डालिए, आप क्वेश्चन लिखिए सीधा, एक्चुअली दिया है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट ऐसे ही लिख रही हूँ डॉट एक्स वाटर, है ना, ठीक है, तो डॉट में ऐसे लिख दे रही बेटा 16 वाटर या 10 वाटर, अभी 10 लिख दे रही हूँ, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये गिवन है इन क्वेश्चन, ठीक है,
और इसका मास गिवन है, अब तो ये चेंज करना पड़ जाएगा मुझे, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही रफली कह देते हैं। तो इसका जो मास है वो डब्लू ग्राम है। प्लीज आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो डब्लू ग्राम ऑफ दिस सैंपल इज गिवेन, क्लियर है? तो बताइए मुझे इसमें मास ऑफ वॉटर पूछ ले इन टर्म्स ऑफ डब्लू, तो क्या करना चाहिए? बस आप क्या करना चाहिए ये बता दें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि इसका डेटा कुछ ठीक नहीं दिख रहा मुझे, तो इसलिए W ग्राम ऑफ दिस सैंपल है, ठीक है। एक काम करती हूँ, इस एग्जाम्पल से ही समझा देती हूँ। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसे बताओ अगर मुझे यहाँ वाटर का मास निकालना हो और मास ऑफ होल कंपाउंड गिवन, ठीक है, तो कैसे रिलेट करूँ? तो सीधा कहना मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन उसका कोफिशियंट इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपॉन उसका कोफिशियंट, बोलिए हाँ या नहीं? अरे फॉर्मूले में वो वाटर का कोफिशियंट हो जाएगा या नहीं? यस मैम। राइट, लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो देखो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कंपाउंड, हाइड्रेटेड कंपाउंड। अगर वो कहता है मुझे मास ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड चाहिए, यानी जब भी एनहाइड्रस बोले तो विदाउट वाटर ड्राई फॉर्म ऑफ कंपाउंड, यानी क्या वो Al2SO4 होल थ्राइस इसका मास पूछने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसके मोल से रिलेट करना चाहती हूँ, यानी क्या मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूलर पार्ट में रिलेट कर रही हूँ, तो इसका कोफिशियंट इस फॉर्मूले में क्या मानू, वन ही मानूंगी? बोलिए yes, इस पूरे को एक साथ कलेक्ट करूंगी तो इसका पूरे का कोफिशियंट क्या नजर आ रहा है मुझे, वन ही नजर आ रहा है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नंबर तो दिख नहीं रहा, बोलिए यस मैम। तो Al2SO4 होल थ्राइस को क्या कहा जाएगा? एनहाइड्रस पार्ट, ठीक है, ऑफ कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है? ड्राई पार्ट ऑफ कंपाउंड, ओके, विदाउट वॉटर, बिल्कुल क्लियर है? अगर उसका मास पूछा जा रहा है तो मुझे उसके मोल से रिलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा शॉर्टकट मॉलिक्यूल और एटम कोई रिलेट नहीं करता, मॉलिक्यूल के अंदर सब मॉलिक्यूल छिपा हो तो उसके मोल भी रिलेट करता है, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, तो ये एग्जाम्पल नोट करें ऐसे जल्दी, फिर मैं तब तक आपके लिए अच्छा सा कोई क्वेश्चन निकालती हूँ। मैम क्वेश्चन दिखा सकती है जरा इसका? मैम क्वेश्चन था ही नहीं, हटा दिया, एग्जाम्पल लिखा है। ओके हो गया मैम, 1 मिनट। यस मैम, 1 मिनट। कर लीजिए आराम से कर लीजिए। राइट, अब इसी तरह से आप लोग और कहां फंसते हो वो बताते हो। अभी उसने डायटॉमिक मॉलिक्यूल पूछा, वो कुछ डीपीपी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका होगा या कहीं पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 14 ग्राम नाइट्रोजन सैंपल दिया हो, नाइट्रोजन गैस सैंपल दिया हो, सुनाई दिया हाँ या नहीं? Yes, ma'am. कुछ अलग मास है, GMM से अलग ले रही हूँ मैं, ठीक है, और मुझे मोल ऑफ एन एटम या मास ऑफ एन एटम इस तरह का कुछ नंबर ऑफ एन एटम पूछने लग जाए, ठीक है, तो फिर इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? तो आप बोलो
जब मैं एन टू लिखती हूँ तो उसके चारों तरफ अगर मैं एक बॉक्स बना दू तो उसके बाहर क्या नंबर लिखा दिख रहा है तुम्हें? बॉक्स के बाहर कुछ नहीं दिखे तो वन होता है, इसका मतलब एन टू का कोफिशिएंट वन है। और एन के बाहर अगर मैं बॉक्स बना दू तो फिर क्या लिखा दिख रहा है? इसका अर्थ शॉर्टकट रिलेशन क्या हुआ? मोल ऑफ एन बाई टू इक्वल टू मोल ऑफ एन टू बाई वन। पहले मेरी बात समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैं ये बॉक्स बना के आपको छोटे बच्चे हो ना आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आता सिंपल तरीके से, वरना ये तो हम लोग यूनिटी मेथड से ही कर लेंगे। लेकिन आप बच्चे जब तक स्मार्ट नहीं हो जाते ऐसे यूनिटी मेथड से दिखना सीख नहीं लेते तब तक आप क्वेश्चन तो कम से कम गलत ना करें ऐसे सोच के लिखे। और अगर आपको ये लगे अरे एन टू का कोफिशिएंट टू होना चाहिए तो आप तुरंत ये बॉक्स बनाने वाला पंडा लगा लें कि अगर n के बाहर बॉक्स बनाया तो 2 बाहर दिख रहा है, और अगर n2 के बाहर बॉक्स बनाया तो उसके बाहर 1 दिख रहा है, तो किसका क्या कोफिशिएंट है वो उसके बाहर दिखेगा। बोलिए जल्दी। Yes, ma'am. बताइए मोल ऑफ n कितना आ गया? 2 इंटू मोल ऑफ n2। और वैसे आप में से कोई समझदार बच्चा हो तो मैं सीधी सी बात बोलूं भाई कि क्या एक मॉलिक्यूल n2 में दो एटम नाइट्रोजन के बॉन्डेड होते हैं, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोल एन टू में दो मोल नाइट्रोजन एटम होंगे या नहीं होंगे? Yes, ma'am. अगर x मोल एन टू मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो 2x मोल नाइट्रोजन एटम हो जाएंगे। अरे बोलिए। Yes, ma'am. ये बात अभी सब चुप हो गए, सिर्फ एक या दो बच्चा बोल रहा है। जैसे ही ये बात मैं डायरेक्टली बोलती हूँ एटम और मॉलिक्यूल तक yes, ma'am. उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। अरे भाई जो एटम और मॉलिक्यूल में रिलेशन है वही मोल में रिलेशन हो रहा है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. छोटे बच्चे यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाते हो, वरना इस शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने मोल होंगे उसके दुगने मोल नाइट्रोजन के होंगे, उसमें शॉर्टकट क्यों लगाना है, उसमें ये बॉक्स बना के कोफिशिएंट क्यों चेक करना है? बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब तक आप इतने स्मार्ट नहीं हो जाते क्योंकि अभी आप 9th जस्ट पास कर रहे हो आप लोग, उसके बाद आए हो सकता है किसी बच्चे का दिमाग इतना ना चले, उसके लिए ये शॉर्टकट है। इनफैक्ट सबके लिए शॉर्टकट है जब तक आप स्मार्ट नहीं हो जाते। यूनिटरी मेथड डेली लाइफ का मेथड है, उससे डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए। अच्छा क्या क्वेश्चन करती हूँ, बताइए मास किसका दिया है 14 ग्राम, एन का या एन टू का? है ना, और ऐसे भी कह सकता है नाइट्रोजन सैंपल। जब नाइट्रोजन सैंपल कह रहा है तो नाइट्रोजन नेचर में N बन के नहीं रहता, N2 बन के रहता है। सुना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. DPP में ऐसा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही है, इसीलिए आपको उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो अगर नाइट्रोजन सैंपल कह दे या N2 गैस कह दे, आप समझ जाना वो N का मास नहीं दे रहा है, वो N2 का मास दे रहा है। मास तो कुछ भी हो सकता है, 4 ग्राम भी हो सकता है ना, 7 ग्राम भी हो सकता है, तो वो 14 ग्राम दिया है, लेकिन N2 सैंपल का। तो बताओ मैंने सबसे पहले किसके मोल निकालने हैं? जिसका मास उसी का मोल उसी का GMM, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो जाएगा? Is that mass of N2 upon GMM of N2? बोले बेटा। Yes, ma'am. और GMM of N2 क्या होगा? N2 28 वापस बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। 28 ग्राम, वेरी गुड। तो मैं 28 ग्राम लिख दूं? मैं सबको हाफ बनाए पड़ी हूँ तब से। तो ये हाफ मोल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइनली कि यहाँ से मोल ऑफ एन के आ जाएंगे, शॉर्टकट लगा दो तो मोल ऑफ एन टू मोल ऑफ एन टू यानी 2 × 1/2 यानी 1। बोलिए बेटा। यस मैम। आप मुझे फिर से जवाब दो, ये किसके मोल निकले हैं, 1 किसके मोल है? नाइट्रोजन के, एन के मोल है, एन टू के नहीं। एन टू का तो हाफ
मोल था, एन का वन मोल है, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। मैं इससे दो चीजें एक साथ निकाल सकती हूँ, क्या? नंबर ऑफ एन एटम बताइए प्लीज, मोल ऑफ एन इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी वन इंटू एन एटम्स, बोले? यस मैम। यस मैम। नाइट्रोजन एटम, और दूसरा मैं मास ऑफ एन एटम्स निकाल सकती हूँ, क्या फॉर्मूला लगाओगे? मोल ऑफ एन इंटू जी ए एम ऑफ एन, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ तो क्या मोल ऑफ एन कितना है? वन ऑफ जी ए एम कितना? एन का 14 ग्राम बोला करो, तो ये मास कितना आया? 14 ग्राम। कुछ नोटिस करोगे, एन का जो मास आया है वही एन टू का मास था? बोलो 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 बोलो। यस मैम। कंफ्यूज कर रही हूँ मैं आपको, लेकिन जो एन टू के मोल थे वो एन के मोल नहीं आ सकते, ऐसा क्यों हुआ? कोई है समझदार बच्चा मेरे बैच में? बेटा नंबर तो एन का ट्वाइस है एन टू से, तो मोल तो नंबर का काउंटिंग होती है, तो नंबर ऑफ एन तो ट्वाइस होंगे एन टू के नंबर से, जल्दी बोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। एन टू मॉलिक्यूल में पाए तो एन एटम ही जा रहे हैं ना, वो एन टू है या एन टू ओ है? वो एन टू है 14 ग्राम या एन टू ओ है? कौन है? हम एन टू। तो फिर एन टू के अंदर तो एन ही रहेगा ना? यस मैम। यस मैम। तो एन टू का मास होगा वही तो एन का मास निकलेगा टोटल? यस मैम। लॉजिकल है, एन का मास टोटल कैसे कम निकल सकता था, क्योंकि एन के अलावा कोई और एटम है ही नहीं जिसको जोड़ करके 14 ग्राम बने। अरे बोलो। यस मैम। यस मैम। कॉमन सेंस लाओ अपने अंदर, अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटॉमिक ट्राइटॉमिक इसने क्या बोल दिया, ये तो छोटे बच्चे इनको पता ही नहीं होगा। डायटॉमिक मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ओजोन O3, जैसे CO2 O3 ऐसा ट्राइटॉमिक है जिसमें एक ही प्रकार का एटम है, बोलो। यस मैम। CO2 ऐसा ट्राइटॉमिक है जिसमें दो तरह के एटम है, बोलो, मेरी बात दिमाग में गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल में, सॉरी एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जा रहे हैं तो मास तो दोनों के सेम ही आएंगे, बिल्कुल। लेकिन नंबर नहीं सेम आएंगे, क्योंकि नंबर तो मोल का रिलेशन होता है, बोलिए बेटा। यस मैम। यस मैम। आपको कायदे से करना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है? क्या कि मैं दे रही हूँ आपको 16 ग्राम O3 सैंपल, ठीक है? तो आप इसमें मोल ऑफ ओ, नंबर ऑफ ओ एटम्स एंड मास ऑफ ओ एटम्स निकाल के मुझे दे दीजिए। चलिए, करिए। I'm done. Right. सभी से हो जाना चाहिए, उम्मीद कर रही हूँ, सही है? One minute. Ma'am, सभी done. से हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले GMM निकाल, सॉल्यूशन आपको करना चाहिए कायदे से,
और मुझे हर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट ठीक है आप को हेल्प दे रही हूँ तो यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए मैं इसे स्क्रीन में कर देना चाहती हूँ, ठीक है मुझे बता दीजिए। सबसे पहले आप मोल ऑफ O3 निकाल लें, दैट इज मास ऑफ O3 अपॉन GMM ऑफ O3। बताइए मास ऑफ O3 तो 16 ग्राम दे रखा है, लेकिन GMM कितना है O3 का? 48 ग्राम, 16 × 3 ग्राम, बोलिए जल्दी। यस मैम। अगर किसी को नहीं आता हो तो पहले वो GMM निकाल ले O3 का, दैट इज 16 × 3 और आगे ग्राम 48 ग्राम, ठीक है। क्या मोल 1/3 आ गए O3 के। अब जल्दी से मुझे बताइए शॉर्टकट रिलेशन मोल ऑफ O और मोल ऑफ O3 के बीच में, बताइए बेटा क्या होगा? आप बोलिए क्या मोल ऑफ O बराबर 3 × mol of O3, बिल्कुल सही है। यस मैम। और हमेशा शॉर्टकट रिलेशन की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है क्या यूनिटरी मेथड से ही दिखने लग जाए तो अच्छा है। क्या मैं मोल ऑफ O लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ O इनटू मोल ऑफ O3, हाँ या नहीं? यस मैम। ऐसे आदत डाल लो तो आपको शॉर्टकट लगाने का भी समय बच जाएगा, क्योंकि हर केस में यही तो हो रहा है, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। धीरे धीरे डालने लगी है आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको अपने तरीकों को छोटा करते चले जाना है, राइट। तो 3 × 1/3 कितने मोल आ गए ऑक्सीजन के को, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, एनी एटम्स बोलिए बोलिए। जबकि कोई कहता है नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स निकालो तो कितने आते, बोलो बताओ। 1/3 एनए। हाँ NA/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, लेकिन क्या NA ऑक्सीजन एटम्स आए हैं, हाँ या नहीं? यस मैम। 3 × 1/3 पर तो 3 गुना आएंगे ही, नंबर तो 3 times आएंगे ही ऑक्सीजन के इन O3, लेकिन मास इसका वही आएगा। ये बिना सॉल्व करे अब दिमाग में होना चाहिए, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करें, अरे हाँ या नहीं? यस मैम। क्यों आएगा ये बता दो? यस मैम। क्यों आएगा? O के एटम्स हैं इसलिए, क्योंकि एक ही तरह का एटम O3 में पाया जा रहा है तो उसी का सारा मास तो O3 बना रहा है, हाँ या नहीं? फिर भी मैं वेरीफाई करा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब तक आदत नहीं पड़े तब तक वो मैं करके दिखा रही हूँ। तो क्या मोल ऑफ O बनाया है, दैट इज मास ऑफ O अपॉन 16 ग्राम, तो देखिए यहाँ से मास ऑफ O कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया या नहीं आ गया? और जबकि मास ऑफ O3 भी कितना दिया हुआ था, 16 ग्राम, तो वो तो आना ही था। लेकिन अगर ये कुछ और होता जिसमें किसी और तरह के एटम होते तो मास अलग अलग आता और दोनों एटम के मासेस को सम करते तो जाके मॉलिक्यूल का मास बनता। बोलिए बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट। अब जो है हमें कुछ DPP की बातें कर लेनी है। मैं DPP से आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मुझे उस क्वेश्चन में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पिछली क्लास में ये पॉइंट बोला था पर फिर भी मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बोला था। आप देखिएगा मैंने आपको ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब सिखा दिया था, सिखाया था क्या? अच्छा नहीं, तो चलिए अब बताती हूँ, सुनिएगा जरा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये। क्या दो तरीके से मुझे अगर डेटा दिया जा रहा है, कैसा? पहला तरीका दूसरा तरीका, देखिएगा साथ में और कंपेयर करना है। अगर लिखा है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम सैंपल, ठीक है, तो ग्राम एटम वर्ड जब भी एक साथ लिखा मिले, हाँ बीच में कोई स्पेस हो तो चलेगा, लेकिन ग्राम एटम वर्ड के बीच में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये मोल के लिए यूज किया जाता है, वो भी मोल ऑफ एटम के लिए, यानी यहां पर एक्चुअली दिया क्या है, मोल ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 2। अरे सुना आपने? यस मैम। लेकिन यहीं पर अगर आपको ऐसे लिख दूं 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम सैंपल, ठीक है, अब क्या ग्राम और एटम के बीच में और वर्ड्स आ चुके हैं? बोलिए प्लीज। यस मैम। यस मैम।
स्पेस होगा स्पेस है तो पहला केस है, लेकिन अगर स्पेस के अलावा वर्ड्स हैं कुछ और सिंबल्स हैं तो समझ जाना ये सिंपल मास दिया, मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 2 ग्राम, तो मोल ऑफ सोडियम तो अलग आएगा, दैट विल बी 2/23 मोल। अरे सुना? यस मैम। यस मैम। तो कहने का मतलब लिखने के तरीके से मतलब बदल रहा है, सिमिलरली राइट, अगर लिखा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर सैंपल और दूसरे में आप समझ गए होंगे 2 ग्राम ऑफ वॉटर सैंपल या मॉलिक्यूल, ठीक है ऐसे लिखा है, बहुत बदल गया, मानते हो या नहीं, क्या बदल गया, ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड एक साथ है, ज्यादा ज्यादा स्पेस है वो चलेगी, तो ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मिनट बेटा बैटरी स्लो हो रही है, चार्जिंग पे ऑन कर दूं। हाँ बताइए, मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डिस्टर्ब तो नहीं हुए, समझ आ गया क्या कह रही हूँ? यस मैम। मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर सैंपल दिया है और ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड एक साथ लिखा है तो मतलब वो मोल ऑफ मॉलिक्यूल दे रहा है, अब ठीक है? यस मैम। और वो कितना दे रहा है, 2, बोलो बात समझ आ गई? यस मैम। यानी मास कितना दे रहा है, मास ऑफ वॉटर कितना दे रहा है, दैट इज मोल ऑफ वॉटर इंटू GMM 18 ग्राम, यानी 2 × 18, यानी कि 36 ग्राम सैंपल था ये तो, और लेकिन अगर ग्राम वर्ड अलग है और मॉलिक्यूल वर्ड अलग है तो ये मास ऑफ वॉटर डायरेक्ट दे रहा है, बोलिए। यस मैम। तो मोल ऑफ वॉटर तब हम निकालेंगे, दैट विल बी 2/GMM ऑफ वॉटर, बोलिए बेटा। यस मैम। यस मैम। राइट, तो दिस विल बी 18, ये मोल आ गए आपके, ठीक है, ऑफ वॉटर सैंपल। मेरे कहने का भी मैं यहाँ सिखा क्या रही हूँ, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ लिखने के तरीके से मतलब बदल जाता है। ऊपर देखिए 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा था तो मोल ऑफ सोडियम एटम 2 आ गए, तो मास कितना आ गया, 2 × ग्राम एटॉमिक मास, यानी 23 ग्राम, बोलिए। यहाँ मास ऑफ सोडियम 46 ग्राम दिया था बेटा, जबकि वहां 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम कह के मास ही 2 ग्राम दे दिया था। अब तो कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है भाई, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है, इसे पहले नोट करिए, करिए प्लीज। I'm done. And 1 minute. हाँ ठीक है। I'm done. Okay. किसी तरह से जरा ध्यान देना, जब भी कभी मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन इन अमोनिया, नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो वो अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन सैंपल तो वो N2 होना चाहिए, पहले तो ये सुन लो, हाँ या नहीं, क्योंकि उसी पर पॉइंट अगला है मेरा। अगर मैंने कहा नाइट्रोजन सैंपल तो बोला भाई किस मॉलिक्यूल में, मैंने कहा नहीं कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो नाइट्रोजन का ही सैंपल है, उसी का मॉलिक्यूल, तो क्या वो नेचुरल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो आप उसे N2 सैंपल लेंगे, कहेगा ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म वॉटर, हमने कहा H और O की रिएक्शन थोड़ी ना करा देंगे, H2O2 की कराएंगे, सुना या नहीं? लेकिन अगर का एच इन द वॉटर तो वॉटर के अंदर के एच की बात कर रहे हैं। आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो मैं इसी पॉइंट को कुछ यूज करने जा रही हूँ, देखो, और आपके डीपीपी का इवन पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसलिए और क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसी को कंटिन्यू करती हूँ कि अगर उसने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन सैंपल
नहीं, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन सैंपल इज गिवन किसी क्वेश्चन में, और उसी में उसने कहा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सैंपल भी नहीं बोलता ये तो, नाइट्रोजन क्या देता है, इज गिवन। ठीक है बेटा, अगर ऐसा कहा, अब आप मुझे बताओ सोच करके कि यहां पर ग्राम एटम वर्ड लिखा है इसने उसी में, और यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड लिखा है, जल्दी बोलो जल्दी। यस मैम। मैम तो यहाँ बेटा वो मोल ऑफ एन दे रहा है 1, लेकिन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन सैंपल, वो सैंपल तो एन टू का ही सैंपल है। नहीं समझे आप? नहीं समझे तो बताओ, नाइट्रोजन सैंपल वर्ड लिखा हुआ है या नाइट्रोजन है जो है के अंदर ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लिखते हैं। हमने कहा कौन सी नाइट्रोजन, अमोनिया की या N2O की? बोला नहीं भाई, नाइट्रोजन का नेचुरल सैंपल है। तो बेटा वो N2 होता है, और N2 में वो मोल ऑफ N दे रहा है, मुझे कैसे पता, क्योंकि ग्राम एटम लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है देखो, बोलो, डरो नहीं, बोलो, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल ऑफ N2 दे रहा है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का मोल दे रहा है। 1 पहले लिखा इसलिए 1, 2 लिखा होता तो 2 कहती, ऑफ नाइट्रोजन सैंपल। इसका मतलब सेकंड वाले में तो उसने N2 सैंपल का सीधे मोल बता दिया, लेकिन पहले वाले में उसने N2 सैंपल के अंदर N का मोल बताया। अरे हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर बोल रहा है N2 का मोल बताओ, N2 का मोल बताओ, तो क्या मैं शॉर्टकट लगा दूंगी, मोल ऑफ N/2 इक्वल टू मोल ऑफ N2 बाय क्या, 1। ये शॉर्टकट पढ़ाया या नहीं? शॉर्टकट रिलेशन से N2 के मोल कितने आ गए, जिसमें मोल ऑफ N1 मौजूद है, तो मोल ऑफ N2 आ गए क्या, मोल ऑफ N/2, मोल ऑफ N कितना है 1, 1/2 आ गया, यानी कि N2 के मोल कितने निकले, हाफ। बोलिए बेटा। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब है N2 के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल कितने निकले, इज दैट N/2 मॉलिक्यूल, जल्दी बोलिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और N के कितने निकले बेटा, N के एटम्स कितने निकले, नंबर ऑफ N एटम्स कितने निकले, N एटम, एक मोल का N का, N एटम्स ऑफ N, तो आप देखो मतलब बिल्कुल अलग आ रहा है आंसर। ठीक है, ये देखो बिल्कुल अलग आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, मोल ऑफ N2 अगर 1 आया है तो नंबर ऑफ N2 सीधे N आ गया। बोलो बेटा, डाउट तो नहीं हो रहा है? ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर यहाँ पे मोल ऑफ N निकालना चाहूं तो क्या आएगा, मोल ऑफ N/2 इक्वल टू मोल ऑफ N2/1, यानी मोल ऑफ N इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ N2, तो यानी N के मोल कितने हो गए बेटा, 2 मोल। बोलिए प्लीज। यस मैम। यस मैम। नंबर ऑफ एटम्स यहां कितने आ गए, 2N। बोलिए बेटा। यस मैम। ये आपको समझना है, इस अंतर को समझना है, नोट करिए बचा हुआ एक्स्ट्रा जो अभी मैंने बताया। हो गया, yes, ma'am. अभी कोई डाउट जैसी बात तो नहीं आ रही है? No, ma'am. Right. No, ma'am. Okay. अब मैं आपको कुछ नया रिलेशन बता दूं, एक डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि अभी टाइम हमारी क्लास का 15 मिनट है और मुझे नहीं लगता कि मैं 15 मिनट में जो कुछ मेरे दिमाग में वो सब बता पाऊंगी।
तो मैं आपको पहले फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला, राइट, कि अगर वॉल्यूम गैस का दिया हो, क्या बेटा किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही, प्लीज म्यूट कर लें खुद को। हाँ, तो आई रिपीट, अगर गैस का वॉल्यूम दिया है और गैस के मोल निकालने, अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े, क्या क्या, गैस का मास दिया हो तो मोल निकाल लें, या कंपाउंड का मास दिया है तो मोल निकाल लें, या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल दिए हैं तो मोल निकाल लें, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। यस मैम। रिलेशन आपको मोल का बताने जा रही हूँ और वो सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, और वो है मोल ऑफ गैसेस विद वॉल्यूम ऑफ दोज गैसेस। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं अभी पढ़ाना चाह रही थी, ठीक है, चलो कोशिश करती हूँ कि इतने समय में कुछ बातें आपको समझ आ जाए। तो देखिए, एक गैस होती है जिसको कहते हैं आइडियल गैस, लिखिए आइडियल गैस, राइट, लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। आइडियल गैस, आइडियल गैस उन गैसेस को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो करती है। मैं आपको अभी 12th क्लास के बच्चों के लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अभी आपने 10th क्वालिफाई किया, आप सारी बात नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ आप इतना समझिए कि आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं विच फॉलो अ गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। सुनाई दिया? तो ये ब्रैकेट में लिखिए कि आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो मैं इसे अलग से लिख रही हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा एक्चुअली आइडियल गैस उन गैसेस को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है एट ऑल दी कंडीशन, बट ये लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करें वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं, हाँ या नहीं? सुना? Yes, ma'am. मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए बेयर, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, फटाफट लिखिएगा बेटा, ठीक है, वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एन इज मोल ऑफ गैस, जो गैस सिलेंडर में भरी है उसका मोल, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, आपको पता होगा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन है, क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ठीक है, और ये 0.15 आप अप्रोक्सीमेट नेग्लेक्ट कर दें तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, सुना आपने, ऐसे लिखते हैं केल्विन। जैसे अगर मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में क्या आएगा, 27 प्लस 273 यानी 300। सबको मेरी बात समझ आई या नहीं पहले, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ऐसा कुछ है, इसमें मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ लेकिन नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहती हूँ अभी एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए मोल का क्रिएट कर दूं, बाकी मैं आर और आर के बारे में काफी सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ आर का नाम लिखे, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी गैस के लिए ये एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और सभी गैस के लिए सेम होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सेम फॉर ऑल गैसेस, लिख दीजिए, इसलिए आप इसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है, और ये फिक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू अलग से लिख दीजिए, हो गया? यस मैम। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता दूं कि आर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इन डिफरेंट सिस्टम। अभी तो मैंने कहा कि आर एक कांस्टेंट है, अब मैं कह रही हूँ आर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ये तो डाउटफुल लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा है, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, शायद एक
आपको पेन नजर आ रहा है टैब का, ठीक है, तो अगर ये पेन मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर का है, एक्स सेंटीमीटर, राइट, तो अगर मैं इसे मीटर में बोलूंगी तो एक्स इंटू हंड्रेड कर दूंगी, या राइट सॉरी, अगर ये मान लीजिए ये एक्स सेंटीमीटर का है तो अगर मैं मीटर में बोलूं तो क्या मैं एक्स अपॉन हंड्रेड मीटर कर दूंगी? जल्दी बोलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेंटीमीटर में बोलूं तो मैं इंटू टेन कर दूंगी, एक्स इंटू टेन, लेकिन क्या ऐसा करने पर इस पेन की लंबाई बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है? मैम सेम रहती है, सेम रहती है, लेकिन वैल्यू तो बदल रही है, कभी वो x सेंटीमीटर हो रहा है, कभी वो x by 100 मीटर हो रहा है, कभी वो 10x मिलीमीटर हो रहा है, तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी वैल्यू बदलती क्यों दिख रही है? हम यूनिट्स की वजह से, क्योंकि क्या हम अलग अलग यूनिट में जब लिखते हैं तो एक यूनिट जब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट होती है तो उनके बीच में किसी वैल्यू से रिलेशन होता है कि ये 100 टाइम्स होगी या 10 टाइम्स होगी या 1/100 टाइम्स होगी, हाँ या नहीं? यस मैम। तो वही पेन की लंबाई फिक्स लंबाई है लेकिन अलग अलग यूनिट में आपको अलग अलग वैल्यू सुनाई दे रही है या नहीं? यस मैम। सिमिलरली आर की वैल्यू फिक्स है फॉर ऑल द गैसेस, लेकिन अलग अलग यूनिट सिस्टम में आर की अलग अलग वैल्यू होती है, सुना या नहीं आपने? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। और यूनिट ऑफ आर होगा क्या? किसी भी कांस्टेंट की यूनिट होती है बेटा, बची हुई प्रॉपर्टीज की यूनिट। तो आप देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं आर को एक तरफ कर दूं तो इज दैट पीवी बाय एनटी, हाँ या नहीं? पहले बताओ ये बात समझ आ रही है या नहीं? यस मैम। तो आई रिपीट, दोबारा बोल रही हूँ कि यूनिट ऑफ आर इज यूनिट ऑफ पीवी बाय एनटी, सुना? तो जो भी P और V और N की और T की यूनिट बनेगी वो R की यूनिट सेट करेगी, बिल्कुल ठीक है? Yes, ma'am. पहले केस में, if pressure in ATM unit, ये सारी यूनिट कन्वर्जन भी मैं सिखाऊंगी अब, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। तो if pressure in ATM unit बेटा है ना, and volume of gas in liter unit, सुनाई दिया? इन लीटर यूनिट, तब जो आर की वैल्यू होती है देन आर होता है 0.0821 और यूनिट ऑफ आर क्या हो गया बेटा, पी की वैल्यू बनी, यूनिट बनी एटीएम, वी की यूनिट बनी लीटर, एन की कोई यूनिट नहीं होती मोल तो मोल ही लिख देते हैं, और टी केल्विन स्केल में, हाँ या नहीं? बोलो जल्दी। यस मैम। यस। तो आपकी ये यूनिट बनी आर की और इस यूनिट सिस्टम में राइट आर की वैल्यू है 0.0821। और हाँ, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों हम इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी लिखते हैं, हम इसे अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 1/12, सुना आपने? जल्दी बोलिए। यस मैम। लेकिन कब? जब थोड़ी बहुत गलती से काम चल जाए, यानी ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स समझते हो, अप्रोक्सीमेट, समझ गया बेटा? यस मैम। आसपास। आसपास, वेरी गुड। सिमिलरली इफ प्रेशर इन बार यूनिट, बार भी एक यूनिट होती है, मैं आपको सिखाऊंगी कि एटीएम और बार में क्या रिलेशन होता है, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ यूनिट लिख पा रही हूँ। तो इस यूनिट में एंड वॉल्यूम इन लीटर, तो बेटा आर की वैल्यू बनती है, प्लीज लिखते जाना क्योंकि यहाँ कोई कंसेप्ट तो लग नहीं रहा है, सीधा एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन, सुना? और डैश लगाया मैंने बीच में, माइनस आइनस नहीं किया। और बच्चों अप्रोक्सीमेट तो हम इसे भी 1/12 लिख सकते हैं, क्यों? आप देखो 0.0821 और 0.0831 लगभग आसपास ही वैल्यू है ना, तो अप्रोक्सीमेट में तो इतनी गलती तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जल्दी बोलिए जल्दी। yes. तो ऑब्जेक्टिव ये कब लगाना, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वहां डेसिमल की कुछ वैल्यू में गलती है तो भी चार ऑप्शन सामने हैं,
काम चल जाएगा, हाँ या नहीं? मेरा पॉइंट समझो। यस मैम। सर आपके पास है तो आप थोड़ी बहुत गलती करते भी हो तो भी पकड़ में आ जाती है वो गलती, सही है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। राइट, यही बात आपको समझा रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट सिस्टम है सी। इफ अब मैं एसआई यूनिट लूंगी और मैं प्रेशर की सारी यूनिट आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी फिलहाल लिख लीजिए प्रेशर इन पास्कल यूनिट, ठीक है? प्रेशर इन पास्कल यूनिट मैं आपको बताती हूँ पास्कल क्या होता है, एंड वी इन लीटर, सॉरी एसआई यूनिट लेना, तो वी इन मीटर क्यूब बाय वॉल्यूम की यूनिट एसआई यूनिट में क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब, जल्दी बोलो। यस मैम। yes, बेटा तो जल्दी से सुनना मेरी बात, क्लियर? कि आपको बता दूं वन पास्कल क्या होता है, इट इज एक्चुअली वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या बेटा? क्या जल्दी बोलो? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ, तो अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ पी इंटू वी निकालू, देखो कुछ सिखा रही हूँ, तो इज दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, यानी न्यूटन मीटर, जल्दी बोलो। यस मैम। मीटर मीटर क्यूब क्या होता है? न्यूटन मीटर क्या कहलाता है? जूल। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जूल। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अगर मैं दोबारा लिख रही हूँ प्रेशर पास्कल में ले रही हूँ और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, देन आर क्या होता है? देन आर होता है 8.314। यूनिट क्या बन रही है? पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन, बोलिए जल्दी। ठीक है, और इसी को क्या मैं लिख सकती हूँ 8.314, क्या पास्कल मीटर क्यूब को मैं न्यूटन मीटर लिख सकती हूँ? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। मैं लिख देती हूँ। यस मैम। दे रही हूँ, आप छोटे बच्चे हो बहुत ज्यादा, ये मुझे पता है, आपको करके देना। ये देखो न्यूटन मीटर आ गया और इसी को मैं जूल कह रही हूँ, जल्दी बोलो। ठीक है, तो क्या मैं इसे जूल लिख दूं, चलेगा? डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, पहले बताओ। तो आर की एक ये वैल्यू हुई और इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एक्यूरेट लिखी गई, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट डालते हैं 25/3, ये करीब 8.3 के आसपास कुछ आ जाता है, राइट? और ये जूल पर मोल केल्विन, लेकिन ये किस केस में? अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों बताया जा रहे हो? फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुना? अभी तो आप लिख लीजिए, इसका यूज आप तब समझोगे जब क्वेश्चन करोगे, आपको पता चलेगा मैम अप्रोक्सीमेट नहीं बताती तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इसे लिख लें। लिखा क्या? यस मैम। राइट। यस मैम। आपने तीन वैल्यू अभी सीखी और थोड़ी अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं वो भी सीखी, पहले एक बार इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊं। कहां से नोट करना है? यूनिट ऑफ आर से। हेलो मैम, यहाँ से करें या ऊपर कर दें और स्क्रीन? नोट वाला पॉइंट हम थोड़े से पॉइंट रह गए थे, हम लास्ट पॉइंट रह गए थे नोट का पॉइंट का, हम ऐसे तो पूरा ही आ गया बेटा, पूरा ही कर लो फिर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम आइडियल गैस इक्वेशन में एन किसको डिनोट कर रहा है? मोल ऑफ गैस को। देखो मैंने लिखा है N बराबर मोल ऑफ गैस, N गैस, आप यहाँ लिख लो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, मैम एक सेकंड स्क्रीन ऊपर कर दीजिए हम थोड़ी सी, मैं इसके ऊपर थर्ड पॉइंट आएगा था हमारा बेटा, बच्चे करंट स्क्रीन नोट कर रहे हैं, आप प्लीज फटाफट कर लो। चलो बेटा,
हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। ये लीजिए, इसको नोट करिए। दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा हो रहा हो तो मैं नॉर्मल स्क्रीन कर दूं? मैम दिख रहा है। मैं इसलिए कर देती हूँ कि पूरी स्क्रीन एक साथ दिखाई दे, हर बच्चे को नोट करने में आसानी हो। नहीं मैम, हम ज़ूम कर सकते हैं। जरा भी दिक्कत हो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। कर लीजिए, कर लीजिए। काफी लंबी चौड़ी चीजें हैं, आप टाइम लगता है लिखने में। ठीक है, फाइनल करें? यस मैम। यस मैम। राइट। अब ये जो मैंने पहले मैंने सोचा था मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मोल और वॉल्यूम का सिखा दूं, पर वो इनकम्प्लीट सी फीलिंग रहती है अंदर से, कर ही नहीं पाई मैं ऐसा। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी और उससे रिलेटेड काफी बातें बता चुकी हूँ, तो आपको मोल से रिलेट करने के लिए कुछ कंडीशन आज बता देती हूँ, उसके आगे फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में क्रिएट करूंगी। एक कंडीशन होती है एनटीपी, लिखिए जल्दी से, इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है बेटा, लिखा क्या? बोलो बोलो। यस मैम। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, मैं इसको एडिंग भी बना देती हूँ। ठीक है, जब भी एनटीपी वर्ड लिखेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो नॉर्मल टेम्परेचर का यहाँ पर अर्थ होगा टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बोलूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सुना या नहीं पहले? और प्रेशर होगा यहाँ पर इक्वल टू 180, सुना? प्लीज। यस सर। यानी जब भी प्रेशर इक्वल टू 1 atm हो आपके रूम में और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन हो, तो ये कलेक्टिव कंडीशन क्या कहलाती है? बोलिए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती बेटा? एनटीपी। पहले बोलो, अभी समझ आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये एनटीपी कंडीशन कहलाती है ना। अब इस एनटीपी कंडीशन पर अगर मैं 1 mole गैस का वॉल्यूम निकालूं, मेरा टारगेट क्या है, 1-2 minutes और लूंगी, वॉल्यूम ऑफ 1 mole आइडियल गैस, राइट? आपके लिए अभी सारी गैसेस आइडियली हैं, 1 mole आइडियल गैस एट एनटीपी कंडीशन। बेटा अगर मैं ये निकालूं, अभी आपने फ्रेश पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ आएगा, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर एनटीपी कह दिया है, तो प्रेशर और टेम्परेचर तो आपने दे दिया। बोले बोले बोले। मोल आपने अपनी तरफ से लिया है कि कितनी टेक, ठीक है, वी वॉल्यूम ऑफ 1 mole आइडियल गैस हम निकालने जा रहे हैं, तो इफ वी टेक वॉल्यूम ऑफ 1 mole आइडियल गैस, ठीक है, तो फिर मैं उसका वॉल्यूम निकालने जा रही हूँ, देन तो मोल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1, ठीक, देन अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, प्रेशर की जगह रखेंगे 1 atm, वॉल्यूम की जगह मुझे नहीं पता क्योंकि 1 mole गैस का वॉल्यूम क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, मोल ऑफ गैस की जगह क्या रखने वाले हो जल्दी बताओ? 1 आर की जगह 0.0821, ऊपर बताया था कि जब एटीएम में प्रेशर हो और वॉल्यूम लीटर में हो, हम वॉल्यूम लीटर में निकालने वाले, तो आर की वैल्यू क्या होती? 0.0821, हाँ या नहीं? यस मैम। 273 केल्विन। बेटा जब आप इसे, हेलो, हाँ बेटा बोलिए। पापा हैंग करो अपने आप को,
वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा क्या निकलेगा आप लोग बताएं, मैं बता रही थी 22.4 लीटर। अरे सुन रहे हो क्या, क्या निकलता है? ठीक है, एक बार मैं पूरी यूनिट भी डालकर आपको दिखाती हूँ, दो मिनट थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, आर की यूनिट क्या थी? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर आप क्या लिख रहे थे? 273 केल्विन। देखो सारी यूनिट कट जाएगी, के और के कट गया राइट, मोल से मोल की यूनिट कट जाएगी, एटीएम से एटीएम कट जाएगा, तो क्या वॉल्यूम लीटर में आएगा सीधा? सुना या नहीं? Yes, ma'am. इसलिए करके दिखा रही हूँ, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों तो आपको पता लगेगा ये 22.4 बन रहा है। इसका मतलब है क्या, आपने जो रिजल्ट निकाला उसका मतलब बताते हो क्या? वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, आइडियल गैस है एट एनटीपी कंडीशन, ये कितना होता है प्लीज बताइए? 22.4 लीटर। ठीक है राइट, अभी आप इतना नोट करिए, पहले करिए फटाफट नोट करिए। डन, और भी बच्चे कर लो, इसे अलग से बॉक्स में बंद कर, इसे याद करने के लिए लिखिए। हम डन। सबने कर लिया? यस मैम। यस मैम। विद इन अ फ्यू सेकंड एक बात बताइए, मुझे यहां से मोल का एक फॉर्मूला बनाना है राइट, क्या 22.4 लीटर अगर मैं वॉल्यूम लेती हूँ गैस का एट एनटीपी कंडीशन, प्लीज ध्यान दें, दिमाग इधर उधर मत ले जाएं, देन मोल ऑफ गैस बताइए, बताइए। फॉर्मूले हमने ऐसे ही बनाए हैं, तो फिर अगर 1 लीटर यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस लेती हूँ ठीक है, लेकिन एनटीपी पर राइट, देन मोल ऑफ गैस बताइए। 1 upon 22.4 चलो सॉरी अभी ऊपर वॉल्यूम नहीं आया है ना, 1 लीटर लिख दिया तुमने, तो आप लीटर लीटर काट सकते हैं राइट। नेक्स्ट आगे सुनो, तो अगर आप वी लीटर ले रहे हो, 1 लीटर छोड़ो अभी वी लीटर ले रहे हो, देन वॉल्यूम ऑफ गैस राइट, सॉरी वी लीटर ले रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस है 10 TPA, देन मोल ऑफ गैस क्या होगा बताइए? क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता ही नहीं चला, आपने गैस के लिए एक फॉर्मूला बना लिया, हाँ या नहीं जल्दी बोलो? यस मैम। और लेकिन एक शर्त है, ये वॉल्यूम किसी भी कंडीशन पे नहीं है, ये किस कंडीशन पे है बोलिए जल्दी? क्योंकि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ये केवल एनटीपी पे इतना बनेगा, किसी और कंडीशन पे तो नहीं बनेगा, हाँ या नहीं? यस मैम। जरा सा ऊपर स्क्रीन, रुको 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 मेरा बच्चा रुको थोड़ा सा, तो मैं फॉर्मूला एक बार फाइनल कर दूं, तो मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस राइट एट एनटीपी इन लीटर, तो क्या दैट इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, बोलिए बेटा, और ये लीटर लीटर कट जाएगा और मोल यूनिट लेस होता है, मोल यूनिट लेस आएगा, जल्दी बोलिए जल्दी। इसी तरह क्या मैं अगर ये वॉल्यूम एनटीपी पर ही ले रही हूँ लेकिन एमएल में ले लूं बेटा, इन एमएल, तो बताएं, तो क्या मैं लीटर को नीचे एमएल में कर लेती हूँ? जल्दी बोलो। यस मैम। यानी क्या मैं नीचे 1 लीटर की जगह 1000 ml कर दूं? तो क्या ये कितना ml आ जाएगा बेटा बोलो? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी लेकिन किस यूनिट में? इन ml, तो फिर नीचे क्या वैल्यू लिखना? 22400 ml,
यानी ऊपर वॉल्यूम ml में हो तो नीचे भी वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए ml में, ml में। ऐसा कि मोल इज यूनिटलेस नंबर, बोलिए। यस मैम। तो फिर आपने जो नया फॉर्मूला सीखा वो ये दो थे क्या, एक तो मोल ऑफ गैस आप लीटर में लिखे तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें, इसको डायरेक्टली आपको आप अभी के बाद यूज करना है, और दूसरा अगर एमएल में लिखें तो उसे 22400 से डिवाइड कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जरा देखो क्या, अगर वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट एनटीपी 22.4 लीटर है तो एमएल में इसे लिख दी तो क्या ये 22400 एमएल भी तो होता, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। मुझे पता है मैंने लास्ट में फटाफट ली है और मुझे पता है कि बच्चों को इतनी फटाफट पढ़ाओ तो कितना समझ आता है, तो मैं यहाँ से अपनी अगली क्लास रिवीजन के मोड में वापस लेते हुए फिर आगे आपके लिए इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बेटा? यानी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी प्रैक्टिस पहले कराऊंगी तब आप इसके क्वेश्चन करिएगा। अभी तो आप जो होमवर्क है वो लिख लीजिए, कुछ डीपीपी दिया था क्या आपको? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। डीपीपी होमवर्क लिखिए बेटा, ठीक है आज का डीपीपी 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट कौन वाले क्वेश्चन, वही वॉल्यूम वाले जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाई क्योंकि टाइम काफी बढ़ रहा है आगे, समझ गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो एक्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस बेस्ड क्वेश्चन को छोड़कर आपको ये होमवर्क में करनी है दो डीपीपी। डीपीपी आ तो गई होगी आपको? यस मैम। यस मैम। तो बता दो मैं भिजवा दूं, आ गई है ना? नहीं मैम आ गई, हार्ड कॉपी भी आ गई। चलो वेरी वेरी। यस मैम। यस मैम। जरा सा ऊपर कर सकती हैं आप स्क्रीन? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए कहाँ से? मैम हो गया बस। अरे हो गया मैम। अच्छा ठीक। ये मैम एक वर्ड रह गया था। चलो अभी आज की क्लास समझ आई पूरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। 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 थैंक यू। बी राम। ओ 5 मिनट दिखा दे, मुझे 6 सवाल करने हैं बस। तो लीव कर दे। हेलो लीव कर दे।